हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपोर्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने सिस्टम में डॉट नेट इंस्टॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक एरर मैसेज आ रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है। सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम में कभी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है, रन बॉक्स ओपन होगा। सर्च बॉक्स में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है appwich.cpl और यहाँ पे सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स ही ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ ओके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देन आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सम टाइम आपको वेट करना है, प्लीज वेट का ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स डॉट फ्रेमवर्क 3.5, तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पर चेक मार्क कर देना है और देन फ्रेंड्स आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों चेक मार्क लगा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके पे क्लिक करना है। यहाँ फ्रेंड्स ये सर्चिंग होगा और देन सम टाइम बाद आपको ये जो है वो इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इस प्रोसेस में फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेट आपको 5 to 10 मिनट भी लग सकता है और देन फ्रेंड्स आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज कंप्लीटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली इसे क्लोज करना है और एक बार फ्रेंड्स आप अपने जो एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो चलिए सेम प्रोसेस में यहाँ पे आप फिर से कंटिन्यू करता हूँ। सिंपली डॉट नेट फ्रेमवर्क को मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम में और यहाँ पर देखता हूँ फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट और देख रहे हैं फ्रेंड्स वही एरर मैसेज, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ओके, बेसिकली फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आपको तब सॉल्व नहीं हो पाता है सिस्टम में जब फ्रेंड्स जो आपका सिस्टम जो उसे सपोर्ट नहीं कर पाता। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक लिमिट दिया हुआ फ्रेंड्स, आपको सिंपली 3.5 अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिकली फ्रेंड्स जो मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम में वो 4.5। ओके, तो फ्रेंड्स इसी कारण आपके सिस्टम में ये डॉट नेट फ्रेमवर्क ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी कारण ये फ्रेंड्स आपको बार बार एरर मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, आपको सिंपली एक डॉट नेट 3.5 इंस्टॉल करना है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ डाउनलोड करके और देखता हूँ फ्रेंड्स फिर ये प्रॉब्लम आती है या फिर प्रॉब्लम नहीं आ पाती। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर गूगल पर डॉट नेट 3.5 टाइप किया हूँ और इंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको सिंपली मैं इसका लिंक फ्रेंड्स आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप फ्रेंड्स उस लिंक आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट लिंक जो आप देखने को मिला, इसे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और एक बार फिर से मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ फ्रेंड्स वही लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो फ्रेंड्स ये जो है वो डाउनलोडिंग प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली मैं इसे पेस्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली इंटर प्रेस किया हूँ और यहाँ पर आपको सम टाइम यहाँ पे लग रहा है फ्रेंड्स और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। सेम है फ्रेंड्स यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क ओके 3.5। सो आपको लिंक इसका लिंक फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपली चाहे तो यही लिंक फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ और डाउनलोड कर लिया हूँ और देन फ्रेंड्स मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम जो वार्निंग का मैसेज आ रही थी फ्रेंड्स वो अभी स्टिल देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स ये, या फिर ये प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया फ्रेंड्स। यहाँ पर अब आप सिंपली बहुत ही ईजी तरीके से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट को। ओके, तो इसी तरह फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को अगर आपके सिस्टम में भी आती है तो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का टेक्निकल और डबल शूट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी कोई भी नई अपडेट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।